सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है, आप पीछे मेरे देख ही सकते हैं, एक फुल्ली मॉडिफाइड ब्लैक कलर की क्रूज। सो गाइस क्रूज एक ऐसी गाड़ी है जो हर एक लड़का चाहता है उसके गैराज में हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कस्टमाइज है, ब्लैक कलर की क्रूज है और इसका पेंट देख सकते हैं जैसे गाड़ी है। गाइस ये 2010 जो है मॉडल है, बट फिर भी आप इसकी पेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से है। क्योंकि गाइस इसके ऊपर हो रखी है सिरेमिक कोटिंग और जो कि एक्सपेंसिव भी होती है और आपकी पेंट की लाइफ को बहुत बढ़िया बनाती है और उसको बढ़ाती भी है। सो गाइस आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और आज की वीडियो में भी हमारा साथ देने वाले हैं रोहित भाई, क्योंकि इसका ऑडियो सेटअप जो है वो पूरा डिज़ाइन हो रखा है भाई वाइपर ऑडियो। सो गाइस इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक करिए। From the top, and I'm hating the slack. Couple man slid around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, 'cause the vibes from the front all the way to the back. यहाँ से मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको एक डिटेल वॉक अराउंड करवा दूँ मैं पहले गाड़ी का। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं चारों तरफ से एकदम चमचमाती हुई क्रूज है गाइज। इसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं वो लिमिटेड हो रखी हैं बट बहुत ही बढ़िया हो रखी हैं। आप रियर इसका चेक कर सकते हैं, ये हैं कुछ इसकी रियर लुक्स, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोफाइल। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या हो रखा है इसमें। लिमिटेड हो रखी है मैं आपको बताऊं, पर ऑडियो सेटअप जो है वो बहुत बढ़िया लगा हुआ है बाय वाइपर ऑडियो। अभी वाइपर ऑडियो से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। पिछली वीडियो को गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं, डिटेल में आपको बताता हूँ, फिर खर्चा भी साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट से, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट का इसका लुक। सो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो है इसमें क्रोम ग्रिल इसमें लगी हुई है, नॉर्मल क्रूज में आती है जैसे कि दूसरी वाली ग्रिल, बट इसमें जो क्रोम का यूज़ हुआ हुआ है। साइड में आप देख सकते हैं क्रोम को सेटअप करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक जो है फिनिश दे रखी है। यहाँ पर जो शेवी का साइन है वो आपको थोड़ा कार्बन फाइबर में रैप हुआ हुआ दिख जाएगा। आप इसका पेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा स्मूद है। यहाँ पे देखिए अब क्वालिटी आपको पता ही चल रही होगी, बहुत ही स्मूथ और बढ़िया क्वालिटी है। सिरेमिक कोटिंग अराउंड गाइस 15,000 रुपीज़ की इसकी पड़ी थी चारों तरफ, मतलब पूरी गाड़ी की। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी फ्रंट लाइट्स की। सो आप देखिए इसमें आफ्टर मार्केट फ्रंट हेडलैम्प्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, DRLs मिलेगा यहाँ पे देखिए। और वो जो शेप है लाइट की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं इसके लाइट की प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 24,000 रुपीज़ जो है इसका प्राइस है गाइस लाइट का, सिर्फ फ्रंट की, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं ये। जो क्रूज ओनर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा और जिन्होंने ये गाड़ी रख रखी है और ये लाइटें लगवा रखी है उनको भी इसके बारे में पता होगा। यहाँ से अगर मैं नीचे बात करूँ तो आपको प्रोजेक्टर, आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर, और एक LED छोटी सी नीचे भी देखने को मिलने वाली है जो कि रात में जब जलती है तो इसकी लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। VIP इसमें नंबर लगा हुआ है इस यहाँ पे। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो बोनेट में आपको हाफ स्टार का जो है थोड़ा सा टैटू जो है देखने को मिलने वाला है जो कि इसकी लुक्स को बहुत बढ़िया बना रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके गाइज गन मेटल एलॉयज की। सो एलॉयज भी काफ़ी चमचमाते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एलॉयज का सेट गाइज 17 इंच का है और पिरेली के टायर्स लगे हुए हैं इसमें, जेन्युइन पिरेली। सो पिरेली गाइज आपको पता ही है वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड है जो कि एलॉयज का है। पिरेली P7 है जो मॉडल है टायर का, और गन मेटल में आपको 5 spoke में अलॉय देखने को मिलेगा 17 इंचेस का। सो गाइज इसका प्रोफाइल मैं आपको बता दूँ, 225/50R17। सो गाइज ये टायर का पूरा प्रोफाइल है। सो होप आपको जो इसका अलॉय का डिज़ाइन है पसंद आया होगा, ब्लैक कलर के साथ बहुत सूट हो रहा है मेन बात। और
यहाँ से अगर मैं इसकी साइड की प्रोफाइल बात करूँ तो कुछ आपको यहाँ पे 3D में, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने हाथ लगाया, तो ये 3D में आपको हाफ स्टार देखने को मिलने वाला है, जो कि एक थोड़ी सी लिमिटेड मॉडिफिकेशन है बट बढ़िया लग रहा है। आपको यहाँ पे डोर प्रोटेक्टर्स जो हैं वो कुछ बुगाटी के देखने को मिलने वाले हैं, ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप। ये बी जो है बुगाटी स्टाइल में लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस करके दिखाता हूँ, ये चीज़ चेक करें, बी जो है बुगाटी स्टाइल में जो है देखने वाला है। और रियर से कुछ इस टाइप की व्हील की लुक आने वाली है। आपको छोटा स्पॉइलर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। रियर इसकी आफ्टर मार्केट टेल लैम्प जो हैं इसमें लगी हुई हैं, ये टेल लैम्प का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो गाइज ये अराउंड 11,000 रुपीज़ का पड़ा था रियर टेल लैम्प। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक छोटा स्पॉइलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है, और जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। नंबर प्लेट आप देखिए, फैंसी नंबर प्लेट है बट अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आपको यहाँ शेवी का साइन जो है कार्बन फाइबर में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद रियर की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइज़ यहाँ पे रियर में नीचे आपको डिफ्यूज़र भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे चेक करें, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो गाइज़ ये थी गाड़ी की चारों तरफ से वॉक अराउंड। और सो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली की से जो है बूट खुल जाता है। अब यहाँ पे जैसे अब खुलने वाला है 3, 2, 1। सो ये ऑटोमेटिकली इसका बूट खुल गया, ये क्रूज़ की एक बहुत अच्छी खास बात है। और 60 लेयर्स ऑफ डैम्पिंग हो रखी है गाइज गाड़ी के अंदर, 60 लेयर्स। सो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो म्यूज़िक सेटअप है वो थोड़ा एडवांस लेवल का रोहित भाई ने इसमें लगा रखा है। 60 लेवल्स ऑफ डैम्पिंग इसमें इंस्टॉल्ड है। सो आप चेक करें चारों तरफ से। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर पाइपिंग है, इसको भी जो है ब्लैक में फिनिश कर रखी है यहाँ पे, ताकि इसकी लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिले और कोई भी चीज़ इसमें क्रोम ना रहे। लगभग क्रोम डिलीटेड है इस गाड़ी के अंदर से। यहाँ पे आपको वाइपर ऑडियो की जो है बैजिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली इसके जो है सारे शीशे जो है डाउन हो जाते हैं की से, जैसे यहाँ पे हो गए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे चारों के चारों ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। सो ये एक बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, और की से ही ऑटोमेटिकली अप भी हो जाते हैं, तो एक क्रूज़ का काफ़ी एडवांस फीचर जो है इसमें दिया गया है। सो एनीवेज गाइस, आपको इसके चारों तरफ से लुक्स जो है पसंद आई होगी इस गाड़ी की। अब थोड़ा रोहित भाई को बुला के इसका ऑडियो सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। सो वीडियो के साथ गाइस एंड तक जुड़े रहिए। गाइज होप आपको जो इसकी मॉडिफिकेशन हैं वो पसंद आई होगी। एक बात बता दूँ गाइज, लिमिटेड मॉडिफिकेशन हैं बट बढ़िया बना रही है जो इसकी लुक्स को। आप देख सकते हैं लाइट्स पे इतना खर्चा हो रखा है, अराउंड 24 और 11 हो गया, अराउंड 35,000 रुपये का फ्रंट और रियर की लाइट्स पे जो है खर्चा, क्योंकि लाइट्स जो है गाइज एक्सपेंसिव आती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके म्यूज़िक सेटअप की, तो अब रोहित भाई को बुलाता हूँ। तो रोहित भाई आ जाओ वीडियो के अंदर। तो रोहित भाई का वेलकम है, क्या हाल है रोहित भाई? ऑडियंस को एक बार हेलो बोल दो। हेलो गाइस। सो गाइस आपने पुराने वाली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिया हमारी, तो आज आपके लिए एक और गाड़ी का हम सेटअप लेके आए हैं क्रूज का। तो पूरा रोहित भाई ने डिजाइन कर रहा है वाइपर ऑडियो से। तो रोहित भाई अब बताएंगे कि इसमें क्या क्या हो रखा है। तो रोहित भाई बताओ ऑडियंस को। इसमें एक हमने JBL का स्टेडियम सीरीज का कंपोनेंट्स आते हैं, उसका एक एड ऑन आता है मिड रेंज। तो हमने बेसिकली 3-way एक्टिव सेटअप लगाया हुआ है सोनी के एम्पलीफायर पे, और साथ में पाइनियर का एक बेसिक DSP लगाया है S1000। सो ये टोटल सेटअप है। सो गाइस इसके अंदर, और अब अंदर से दिखाते हैं फिर आपको साउंड सुनाते हैं कि क्रूज में बैठ के कैसी फील आएगी इतने बड़े सेटअप में। अगर मैं खर्चे की बात करूँ, चलो खर्चा गाइस मैं आपको वीडियो के एंड तक बनाऊंगा, और आप इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। इसमें जैसा आप देख सकते हो कि इसमें एक चाइनीज एंड्रॉयड स्टीरियो लगा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ हमने यूट्यूब प्ले के लिए लगाया हुआ है, बट इसकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं होती अगर हम एक अच्छा सेटअप यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक पाइनियर का DEQ S1000 DSP आता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, वो इंस्टॉल करा हुआ है। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ स्पीकर्स ही हैं, इसमें सबवूफर अभी के लिए नहीं है, वो हमारे लिए सेकेंड स्टेज है। हम आने वाले टाइम में उसमें ऐड करेंगे सबवूफर। अभी हमने इसमें 3-way एक्टिव सेटअप करा हुआ है, और ये पूरी की पूरी गाड़ी डैम्प है, इंक्लूडिंग रूफ, फ्लोर, क्वार्टर पैनल्स, डोर्स, डोर पैनल्स। और इसमें डैम्पिंग की क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 60 शीट्स लगी हुई हैं इसमें, रूफ, फ्लोर, डोर्स, डोर्स पैनल्स, ओके, और इसमें क्वार्टर पैनल्स, ट्रंक फ्लोर, ट्रंक लेड, सब कुछ इसमें डैम्प्ड है। इसीलिए इसमें स्पीकर से ही बेस का हमारा बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट जो थी हमारी बेस की वो कंप्लीट हो रही है। तो इसमें हमने 3-way एक्टिव सेटअप करा हुआ है। इसके जो डोर्स में 6.5 इंच स्पीकर्स हैं वो बेसिकली हमारा बेस का काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज अ सब वूफर्स। और मिड रेंज के लिए हमने यहाँ पर इसका सेल पैनल भी बोलते हैं, सैश भी बोलते हैं इसके, हम अंदर हमने मिड रेंज लगाया हुआ है JBL का, और ये बिल्कुल ऑन एक्सिस है।
बिल्कुल फेस पे ड्राइव करते हैं और ट्विटर्स हमने एपिलर्स पे लगाए हुए हैं और फ्रंट स्टेज इसका थ्री वे एक्टिव है और रियर स्टेज इसका टू वे पैसिव है और सबवूफर अभी हम आने वाले टाइम में इंस्टॉल करेंगे। जिस सीट पर मैं बैठा हुआ हूँ इस सीट के नीचे इसका सोनी XM GS4 फोर चैनल एम्पलीफायर है और इस सीट के नीचे इसका पाइनियर का DEQ S1000 डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी DSP है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। मैं इसके इंटीरियर्स की बात करूँ तो कुछ इस टाइप के आपको इंटीरियर्स देखने को मिलने वाले हैं इस ब्लैक कलर की क्रूज के। जहाँ पे अगर मैं पैनल्स की बात करूँ तो आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी पैनल के अंदर जो कि सॉफ्ट लेदर में जिसका यूज़ हुआ हुआ है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हैंडल्स की तो आप डोर हैंडल्स के चारों तरफ देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ पियानो ब्लैक कलर की जो है फिनिश का यूज़ हुआ हुआ है जो कि इसके लुक्स को और ज़्यादा इनहांस कर रही है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस थोड़ा कार्बन फाइबर रैप जो है इसमें इंस्टॉल्ड हो रखा है और यहाँ सेंटर कंसोल में भी आपको सेंटर पैनल में आपको देख सकते हैं कार्बन फाइबर भी यूज़ हो रखा है जैसे मैंने आपको जूम करके दिखाया गाइस यहाँ पे। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इसके डैशबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस पूरा डैशबोर्ड जो है वो भी लेदर रैप्ड है सॉफ्ट लेदर में रैप्ड है और काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी का जो लेदर इसमें इंस्टॉल्ड हो रखा है। सो होप आपको जो है इसका इंटीरियर्स वगैरह पसंद आया होगा। अगर मैं सीट कवर्स की बात करूँ तो गाइस इस टाइप के आपको कुछ सीट कवर्स देखने को मिलेंगे बकेट फिट ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के जिन्हें मस्टर्ड भी बोल सकते हैं मस्टर्ड शेड में है ये टैन और आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियर डोर्स में भी ये चीज़ इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिलेगी और यहाँ पे आपको लेदर रैप हुआ मिल जाएगा जो कि इसको और लग्जरी बना रहा है। सो सीट कवर्स भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लग रहे हैं लुक्स के साथ बहुत बढ़िया जा रहे हैं। मैटिंग भी इसमें प्रॉपर हो रखी है गाइस 7D मैटिंग हम इसको बोल सकते हैं। वहाँ पे देखिए आप पूरे कवर एंड तक और बहुत ही बढ़िया है काफ़ी साफ़ सुथरी है 2010 मॉडल के हिसाब से। सो अब इसका थोड़ा ऑडियो सेटअप हम सुनने वाले हैं जो कि रोहित भाई ने इंस्टॉल्ड कर रखा है जैसे कि आप यहाँ पे पिलर्स पे देख सकते हैं काफ़ी सारे चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। रोहित भाई ने आपको बता ही दिया है क्या क्या है इसके अंदर इंस्टॉल्ड। सो अब म्यूज़िक सेटअप की बारी आती है तो लेट्स स्टार्ट द म्यूज़िक सेटअप। आपको जो है फुल्ली मॉडिफाइड क्रूज जो है पसंद आई होगी जैसे मैंने आपको बताया था गाइस लिमिटेड मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं बट क्वालिटी मॉडिफिकेशंस हैं बढ़िया और सोबर एंड सोफिस्टिकेटेड। सो रोहित भाई अब हमें बताएंगे कि ऑडियो सेटअप में अगर आपके ऐसा सेटअप लगवाना है तो टोटल कितना खर्चा आएगा। सो रोहित भाई बताओ हमारी ऑडियंस को। अगर हम थ्री वे एक्टिव सेटअप की बात करते हैं तो ये सेटअप लगभग 60,000 से स्टार्ट होकर 6,00,000 तक भी जा सकता है बट हमने इसमें बेसिक ड्राइवर्स यूज़ करे हैं एज आई ऑलरेडी सेड कि इसमें JBL के स्टेडियम सीरीज़ लगे हुए हैं और एक मिड रेंज आता है स्टेडियम सीरीज़ का GTO 200M एक वो हमने ऐड करा हुआ है थ्री वे एक्टिव सेटअप के। तो इसको ओवरऑल अगर ऑडियो सेटअप की कॉस्ट की बात करें तो 60,000 से 65,000 में है जिसमें आपका सिर्फ ऑडियो सेटअप है एम्पलीफायर DSP थ्री वे एक्टिव स्पीकर्स और वायरिंग इंस्टॉलेशन पोर्ट्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड लमसम 65,000 के आसपास आ जाती है इसकी कॉस्ट। सो गाइज अराउंड आप 60,000 to 65,000 का सेटअप लगा के चलो। और एक मेन बात रोहित भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोई भी क्वायरी हो म्यूज़िक के लिए तो आप रोहित भाई को कॉल कर सकते हैं एनी टाइम मतलब 9 बजे तक ये नहीं कि आप रात में कभी भी कॉल करें। मेरे को भाई फ़ोन आते हैं रात में गाइज मैं आपको बताऊंगा मैंने जैसे अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे होते हैं तो रात को 1-1 बजे भी मुझे फ़ोन आते हैं तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं तो इसलिए मैं अब देना छोड़ चुका हूं। बट एनीवेज सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो होप आपको एक गाड़ी पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को गाइज देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए लव यू ऑल सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज बाय टेक केयर।